हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने SSL चैनल प्लस 20 EMA स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय क्रिप्टो अमन का टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जैसे जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू पुष्कर राज ठाकुर, हु अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन इज इंडियाज लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच एंड एज ए यूट्यूब चैनल विद ओवर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे लास्ट वीक 10K हो गया है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी टू हिट दिस माइलस्टोन। आई रियली मीन इट, आपके बिना ये सब नहीं हो पाता। अभी चलिए हमारे नेक्स्ट गोल्स पे फोकस करते हैं, दैट इज 15K। तो मोस्टली आप में से सबने सब्सक्राइब किया ही होगा, बट अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा भी लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी कर दो। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज वेर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रेटजी। स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो, ब्रह्मास्त्र मूवी भी जस्ट रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो सोचा इस स्ट्रेटजी को भी अभी ही टेस्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र मूवी हिट होती है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं ये स्ट्रेटजी हिट है कि नहीं। वीडियो देख के आई थिंक ये स्ट्रेटजी के रूल्स उन्होंने थोड़ा पार्ट क्लियरली डिफाइन नहीं किया है और कुछ कुछ पार्ट में उन्होंने एंट्रीज ऐसे लेने बोला है जो लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स है। और इसमें कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली कोड करके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखोगे ना तो रिजल्ट्स खराब ही आएगा। और इसके असली गुनेगार मिस्टर पुष्पक राज ठाकुर जी ही है, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो में ढंग से नहीं बताया। आपको तो पता है हम सिर्फ मैन्युअली बैक टेस्ट करके वीडियो नहीं बनाते, उसको क्वांटिफाई करते हैं और रिजल्ट्स में प्रॉब्लम क्या क्या है और उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। सब चीजें हमें सिर्फ मैनुअल बैक टेस्टिंग से ही पता चल सकता है। अभी ये स्ट्रेटजी में उन्होंने 3 इंडिकेटर्स यूज किया है, सुपर ट्रेंड, वीवैप और MACD। तीनों लैगिंग इंडिकेटर है, उनके हिसाब से इन तीनों के कंफर्मेशन को यूज करके आपको यूज ट्रेड मिल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उन्होंने कहा है कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट करेंटली हम इसे सिर्फ इंडेक्स पे टेस्ट करेंगे। अगर आपको किसी और का रिजल्ट देखना है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। सिंस ये एक इंडेक्स स्ट्रेटजी है तो आप जानते हैं कि हम इंडेक्स वाली स्ट्रेटजीज को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। आप वो रिजल्ट देख के आइडिया लगा सकते होगी ये स्ट्रेटजी ऑप्शन में कैसे काम करती है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम ब्रह्मास्त्र ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर पुष्पक राज ठाकुर जी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में और चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट प्लॉट करेंगे। सिंपली इधर ऊपर क्लिक करके निफ्टी या बैंक निफ्टी सर्च करो, आपको उधर आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऐड कर दो। अब टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स कर देंगे। अभी यहाँ पर ऊपर इंडिकेटर्स पे क्लिक करके सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे, ये सुपर ट्रेंड आएगा बिल्ट इन वाला, इसे हम ऐड कर देंगे। अब सेटिंग्स में जाएंगे और इसके ATR लेंथ को 20 कर देंगे और फैक्टर को 2 करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम वापस ऊपर इंडिकेटर पे जाएंगे और VWAP सर्च करेंगे, तो ये बिल्ट इन वाला आएगा फुल फॉर्म वाला, तो इसे हम ऐड करेंगे। अभी इसके भी हम सेटिंग्स में जाएंगे और स्टाइल में जाके VWAP अपर बैंड और लोअर बैंड इन तीनों को छोड़ के बाकी सब अनटिक करेंगे। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये अपर बैंड और लोअर बैंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आगे बताऊँगा। अभी इसके बाद वापस ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और MACD सर्च करेंगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे और स्टाइल्स में MACD को ग्रीन कर देंगे और सिग्नल को रेड कर देंगे और इन दोनों का थिकनेस भी बढ़ा देंगे, ये करके ओके कर देंगे। अभी उन्होंने रूल्स ऐसा समझाया था कि आपको बाय एंट्री तब लेना है जब आपका सुपर ट्रेंड ग्रीन हो और कैंडल VWAP के पास हो और MACD का जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए, तभी आपको एंट्री लेना है। अभी ये बोलने के लिए तो सही लगता है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव भी है। उसमें से सबसे पहला, प्राइस VWAP के नियर हो, इसका मतलब क्या होता है? हम ऐसे सब्जेक्टिव रूल से तो टेस्ट नहीं कर सकते ना कोई भी स्ट्रेटजी को, इसलिए हम VWAP बैंड यूज़ कर रहे हैं। अगर कैंडल VWAP बैंड को टच कर रहा है तो ही आप एंट्री ले सकते हो। जिसको जानना है कि ये अपर बैंड और लोअर बैंड क्या है, ये बेसिकली VWAP का फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। अभी एक और चीज़ उन्होंने सोचा होगा कि सबको पता है और क्लियरली नहीं बताया अपने वीडियोज़ में। जनरली जब हम बोलते हैं कि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करके ऊपर जाना चाहिए, इट इज़ इम्प्लाइड कि ये जो क्रॉस ओवर है ना वो 0 लाइन के नीचे होना चाहिए। वैसा क्यों है अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में बताना, मैं कोई और वीडियोज़ में कवर कर लूँगा। MACD जनरली ऐसे ही यूज़ किया जाता है
अगर ये क्रॉस ओवर ये जीरो लाइन के ऊपर होता है तो उसका एक्यूरेसी कम हो जाता है। उनको ये बात बताना चाहिए था अपने एक वीडियो में, उन्होंने एग्जांपल्स में तो यही दिखाया था कि ये जीरो लाइन के नीचे है और क्रॉस ओवर हो रहा है तब एंट्री लिया है, बट उन्होंने क्लियरली बताया नहीं। तो अगर आप ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग करते हो और ये बात का ख्याल नहीं रखते हो तो आपको थोड़ा रिजल्ट खराब ही आएगा। इसमें उन्होंने टू एंट्री बोला है, एक सही है और एक बिल्कुल सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हम पहले कवर करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि जब ये तीनों इंडिकेटर सिग्नल देंगे ना इधर, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट में ही एंट्री लेना है, प्राइस वीवैप तक पहुंच ही जाएगा। ये एक्चुअली गलत स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक आपको इनके करंट सिग्नल पे ट्रस्ट नहीं करना है। सो एंट्री तो ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते। ऐसा हो सकता है कि ये इधर से ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए और ये इंडिकेटर्स दोनों अलग रिजल्ट बता दे। इसके लिए नेक्स्ट एंट्री जो उन्होंने बोला है वो लॉजिकल भी है और सही भी है। उन्होंने क्या बोला, ये जहां पर तीनों सिग्नल आते हैं ना उसको आप एंट्री कैंडल पकड़ो और इसके ये एंट्री कैंडल के क्लोज प्राइस पे आप एंट्री ले लो और हम ऐसे ही इसको टेस्ट करेंगे। एक और चीज, स्पॉइलर अलर्ट, आपको ये स्ट्रेटेजी में मेरी मानो तो आपको BTST ही यूज करना चाहिए, क्योंकि मेजर हाई विन रेट वाले जो एग्जांपल्स है ना वो BTST में ही आए हैं। इसके लिए हम ये स्ट्रेटेजी को BTST में ही टेस्ट करेंगे। सो मॉडिफाइड रूल्स फॉर बाय एंट्री, सुपर ट्रेन शुड बी ग्रीन, कैंडल शुड टच द वीवैप जोन। फिर जब जैसे ये ऊपर के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, MACD का जो ग्रीन लाइन है ना वो नीचे से रेड लाइन को क्रॉस करना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, और ये जो क्रॉस ओवर है वो जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। एंट्री क्लोज ऑफ द एंट्री कैंडल, स्टॉप लॉस लास्ट टू कैंडल लो, ये जो एंट्री कैंडल है उसका या फिर इसका एक पिछला वाला कैंडल, जिसका भी लो नीचे होगा आपको स्टॉप लॉस वहां रखना है। और टारगेट जैसे ही ये MACD का जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको एग्जिट उधर ही कर लेना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सुपर ट्रेंड ग्रीन है, कैंडल वीवैप के जोन को टच भी कर रहा है और MACD में ये ग्रीन लाइन रेड को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है। सो यहाँ हम इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लास्ट टू कैंडल का लो रखेंगे और टारगेट जब ये MACD वापस क्रॉस ओवर होता है ना, दैट इज रेड लाइन नीचे से ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर जाता है, वहां पर हम एग्जिट करेंगे। सो दिस सेटअप वॉज अ विन। अभी रूल्स फॉर सेल सेटअप भी देखते हैं, इसमें भी हमने सेम मॉडिफिकेशन किया है। सो मॉडिफाइड रूल्स फॉर सेल एंट्री, सुपर ट्रेन शुड बी रेड, फिर कैंडल शुड टच द वीवैप जोन। जब ये अबाउट टू कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब MACD में जो रेड लाइन है इट शुड क्रॉस द ग्रीन लाइन फ्रॉम बिलो एंड दिस क्रॉस ओवर शुड बी अबाउ द जीरो लाइन। इसमें ठीक उल्टा, इसमें जो क्रॉस ओवर है वो ऊपर होना चाहिए और रेड लाइन नीचे से ग्रीन लाइन को ऊपर क्रॉस करना चाहिए। एंट्री वुड बी क्लोज ऑफ द एंट्री कैंडल, स्टॉप लॉस लास्ट टू कैंडल हाई। इसमें भी ये जो एंट्री कैंडल है इसका या फिर इसके पिछला, जिसका भी लो नीचे रहेगा, आपको स्टॉप लॉस वहां रखना है। और टारगेट जैसे ही आपको MACD में क्रॉस ओवर मिलता है, दैट इज ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट हो लॉस हो आपको उधर ही बुक कर लेना है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, सुपर ट्रेंड यहाँ रेड है, कैंडल वीवैप के जोन को टच भी कर रहा है और जस्ट MACD रेड लाइन ग्रीन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर गया और ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन के ऊपर है। सो ये एंट्री कैंडल के क्लोज पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लास्ट टू कैंडल का हाई रखेंगे और टारगेट जब ये MACD का वापस क्रॉस ओवर होता है, दैट इज ग्रीन लाइन नीचे से रेड लाइन को क्रॉस करता है, हम वहां पर एग्जिट कर लेंगे। सो दिस एग्जाम्पल वॉज ऑल्सो अ विन। चलिए आई होप स्ट्रेटेजी क्लियर है। आप उनका वीडियो जरूर देख सकते हो, आपको स्ट्रेटेजी के बारे में और जानना है तो। उन्होंने ये सेम वीडियो इन्वेस्ट आज फॉर कल के साथ भी बनाया, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। तो इस स्ट्रेटेजी को हम 100 times टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई विल लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 40 वॉज विन एंड 60 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 40%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 48.47% और मैक्स ड्रॉडाउन इज -14.01%। इसमें मैक्स रिस्क पर ट्रेड था 2.68%, विच इज गुड फॉर द स्ट्रेटजी। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 9। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 2.301 months। तो जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा स्ट्रेटजी को प्रॉपरली डिफाइन करके स्ट्रेटजी का रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव है। 48.47% गेन इन 2.301 months, विच इज़ गुड। नो डाउट ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा है, -14.01%, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये एक्सपेक्टेड है। सो कूडोस टू मिस्टर पुष्पक राज ठाकुर फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रेटजी।
आज चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछते रहते हो उसको एड्रेस करेंगे। बहुत लोग हैं जो हमको पूछते रहते हैं, भाई आप ये मैन्युअली बैक टेस्टिंग क्यों करते हो, सीधा एमी ब्रोकर या पाइथन में कोडिंग करके रिजल्ट्स दिखा दो और इससे आप बहुत बड़े सैंपल साइज पे भी टेस्ट कर सकते हो। मेरा जवाब उनके लिए सिर्फ इतना है, भाई अग्रीड, आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। और ऑलरेडी हमारे दो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स यही कर रहे हैं। मेक श्योर टू चेक आउट हिज चैनल, शो योर लव, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे स्ट्रेटेजी ऐसे होते हैं जो आप टेस्ट नहीं कर पाते हो एमी ब्रोकर में, क्योंकि उनके रूल्स ही ऐसे होते हैं। दूसरी चीज, एमी ब्रोकर आपको रिजल्ट दे देगा बट आपको कभी समझेगा ही नहीं कि ये स्ट्रेटेजी फेल क्यों हुआ है। आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ ट्रेड्स दे देगा और इतने सैंपल साइज ये दे देगा ना आपको कि आप चेक भी नहीं कर पाओगे कि आपने जो कोड किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। और एक चीज़ है, एक सेटअप है बूमिंग बुल्स का, इसमें उन्होंने ADX को हायर टाइम फ्रेम पे रखने बोला। अभी आप समझिए, एक्चुअल मार्केट में ये 15 मिनट्स के इंटरवल पे ही फॉर्म होता है और उससे पहले जो भी वैल्यूज रहेगा ना वो गलत ही रहते हैं। बट आपको एक्चुअल मार्केट में जो देख रहे हो और आफ्टर मार्केट देख रहे हो, दोनों के रिजल्ट्स में फर्क है। तो एमी ब्रोकर में जब आप ये कोड करोगे तो आफ्टर मार्केट वाला ही टेस्ट करेगा। ये गलती एमी ब्रोकर की नहीं है, हर सॉफ्टवेयर के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं और वो उस वक्त जो लाइव मार्केट में रहेगा या फिर इसमें क्या करना है वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। और ये चीज़ आपको भी नहीं पता चलेगा जब आप सिर्फ रिजल्ट्स देखोगे। हर सॉफ्टवेयर का अपना लिमिटेशन होता है, कोई कोई आपको लैगिंग इंडिकेटर में क्लोज होने से पहले ही एंट्री लेने बोलेगा। ये सब आप कोड तो कर लोगे बट ये सब में प्रॉब्लम क्या होता है वो एमी ब्रोकर आपको नहीं समझा सकता है। और सबसे मेन चीज़ कि हर किसी के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि वो अपने स्ट्रेटेजी खुद कोड करके बैक टेस्ट कर सके, तो ये लोगों को क्या करना चाहिए। और मेजॉरिटी मार्केट में ऐसे ही लोग होते हैं, उनके लिए ही हम ये सब वीडियो बनाते हैं। नो डाउट 100 टेस्ट इज नॉट इनफ, मैं ये कभी नहीं बोलता कि 100 टेस्ट आपने कर लिया बस हो गया। हमने ये वाला वीडियो बनाया है, आप ये देख सकते हो, हमने इसमें डिटेल में बात किया है। बट 100 टेस्ट से आपको स्ट्रेटेजी का इन्स एंड आउट जरूर पता चल सकता है और ये भी पता चल सकता है कि स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम्स है। आपको एटलीस्ट ये तो बता देगा कि आपको इस स्ट्रेटेजी पे और मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना समझो, मैं ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद मेरी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करवाता हूँ बट वो सब मैं मेरा मैनुअल टेस्टिंग होने के बाद ही करवाता हूँ। मेरा एक मैसेज है सबको, आप कोई भी स्ट्रेटेजी अगर ऑटोमेटेड टेस्टिंग करना चाहते हो ना तो आप करो, आपको कौन रोक रहा है, हम रोकने वाले आपको कोई नहीं बनते। बट उससे पहले एज अ ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको 100 टाइम्स मैनुअल बैक टेस्टिंग तो करके देखो, स्ट्रेटेजी के बारे में पहले जान तो लो कि स्ट्रेटेजी कैसा है, फिर उसके रिजल्ट्स या फिर अपने एक्सपीरियंस से उस स्ट्रेटेजी को कोड करो और ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग करके देखो। इतना तो एफर्ट लेना ही पड़ता है अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो। मैं क्यों ये बात अपने हर वीडियोस में एंडिंग में बोलता हूँ कि आपको मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हो सकता है मैंने गलती किया हो कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट करने में या किसी और ने बैक टेस्ट करते हुए उसमें कुछ गलती किया हो, ये एफर्ट आपको ही लेना है, कोई आपको करके नहीं देख सकता। हाँ, और अगर आपको ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग नहीं करना आता तो भी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें प्रोसीजर बताया, आप बस उसको फॉलो करो और उस फ्रेमवर्क पे काम करो, आपको हो जाएगा आपका भी बैक टेस्टिंग। दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। मेरा वीडियो सिर्फ ये देखने के लिए मत देखो कि ये स्ट्रेटेजी का विन रेट क्या है और गेन क्या है, मैंने उसके लिए चैनल नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ आप स्ट्रेटेजी का लिमिटेशन क्या है ये समझ सको, आपको क्या करना चाहिए वो समझे, और आप इसे कैसे खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो और क्या क्या आप न्यू आइडिया लगा सकते हो वो ये चैनल से मोटिवेशन लो, और कुछ नहीं है। या फिर कमेंट्स में मेरे को सजेस्ट करो कि मेरे को और क्या करना चाहिए था। एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटेजी को पहले खुद टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। सो आई विल ऐड दिस स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक्स द फोर्थ पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं Zerodha का लिंक भी डाल दूंगा, हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो हमने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है। ये वाला वीडियो आपको सजेस्ट हो रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसको ज़रूर देखना, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।